सेल्यूलोज अथवा किसी दूसरे कार्बोहाइड्रेट की बनी मजबूत निर्जीव कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो पेड़ पौधे होते हैं पादप कोशिका, जैसे पेड़ का तना है इसमें जो बाहर की तरफ छाल पाई जाती है उसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो काय की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, वो किसी दूसरे कार्बोहाइड्रेट, या तो सेल्यूलोज की बनी होगी या फिर दूसरे कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और ये कैसी होती है? निर्जीव कोशिकाओं, निर्जीव होती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है बाहरी काय कैसी होती है? निर्जीव होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। लेकिन आधुनिक विचारधारा के अनुसार इनके चारों तरफ कार्बोहाइड्रेट का बना आवरण पाया जाता है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन इनमें क्या पाया जाता है? बाहर की तरफ कोशिका के बाहर क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का बना आवरण पाया जाता है। अगला है हरित लवक। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं इसे। तो जो पादप कोशिका पेड़ पौधे उनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं जिनमें पन्न हरिण से भरा हरित लवक महत्वपूर्ण है। पौधों में क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। इसी के कारण जो पत्तियाँ होती हैं उनका रंग कैसा होता है? हरा होता है। और इसी हरित लवक के कारण ही जो पेड़ पौधे वो क्या करते हैं? क्लोरो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और इससे उस काय का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही जो पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। दूसरा है जंतु कोशिका में। जंतु कोशिकाओं में लवक तथा पर्ण हरिण का पूर्णता अभाव होता है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाते, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? विषमपोषी बोलते हैं। सेंट्रोसोम। पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाया जाता है जो कोशिका विभाजन में मदद करता है। जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम क्या कार्य करता है? सेंट्रोसोम जब जंतु कोशिका विभाजन करती है तो कोशिका विभाजन में मदद करता है। लाइसोसोम। पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है। जो लाइसोसोम है इसे क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। पांचवा पॉइंट है भित्ति का पूर्ण वृद्धि। पादप कोशिकाओं के मध्य भाग में एक समान बड़ी भित्ति का पाए जाते हैं। जो पादप कोशिका होती है नहीं पाई जाती है, लेकिन अगर यदि किसी में उपस्थित होगी किसी जीव में तो कैसी होगी? बहुत छोटी होती है। धन्यवाद।